पहले विजुअल लेने दे। कोविड बर्थडे, मुझे नहीं पता था कि टिल्ट कर दीजिए हल्का सा, बस 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 हम यहाँ देखिए ये आपका बहुत बड़ा फैन है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा रहा ये साल आपके लिए, यार बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ा सा स्लो और एक कह सकती हूँ ना कि एक साल जो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। हमें 2020 के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द ईयर यू नो विच टॉट अस सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक 2021 वॉज एन आई ओपनर। इतनी सारी चीज़ें सीखी, इतनी सारी चीज़ें नहीं जानी, एंड अपने आप में एक ग्रोथ जो होता है वो देखा। एंड आई थिंक आई रियली होप कि 2022 और ज़्यादा बेहतर हो हम सबके लिए, बिकॉज 2021 मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं था। सो आई रियली होप कि 2022 हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। हमारे इंडस्ट्री में ये जो नाम बहुत ही बड़ा बन चुका है एलिशा, जिन्हें जितने भी आप शो करती हैं, जो कुछ भी करती हैं, लोग ऑडियंस बहुत पसंद करते हैं, वैसे कुछ कहना चाहेंगे आप इस? मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी, और मैं हमेशा कहती हूँ दैट आई एम ऑलवेज़ वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। जितना भी प्यार मुझे आज तक मिला है और जितना भी प्यार मुझे लोग दे रहे हैं, एंड मैं बस ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी, बिकॉज मेरे हिसाब से मेहनत हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से किया है, सो आई थिंक दैट्स माय मंत्र। सो आज का सबसे पहला विश किसने किया हेली जी को, अगर कुछ पहला विश? घर पे सॉरी मसाला कहीं से उड़ रहा है इसलिए मुझे खांसी आ रही है ये मत समझिएगा कि मुझे खांसी हुई है, बट हाँ सबसे पहले विश मेरे घर वालों ने किया। मम्मी थी, भाई था और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन जैसा नहीं किया मैंने बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी ऑल नो। तो हाँ भाई एंड क्या कुछ रिएक्शन था उनका बर्थडे के दिन में, उन्होंने क्या कुछ आपको कहा, क्या कुछ
मेरा एक्चुअली बहुत सरप्राइज रिएक्शन था क्योंकि बहुत मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. मेरे मम्मी ने और भाई ने मुझे इतनी सारी गिफ्ट्स दी जो मैं हमेशा मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ. मैं पहले ही कह देती हूँ आई डू नॉट वॉन्ट एनी गिफ्ट. मैं गिफ्ट्स के लिए मना करती हूँ. है ना तड़का है किसी ने जॉब बट हाँ मतलब सडनली मेरा भाई आया और उसने बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे मेरे हाथ में रख दिए. लाइक ये क्या है. सो या सो कोई मेमोरेबल बर्थडे रहा है आपके लिए लाइक अब तक के. मुझे लगता है हर बर्थडे मेमोरेबल होता है. हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ होता है बट आई थिंक दिस बर्थडे इज़ वेरी डिफरेंट. दिस हाँ आज भी कुछ तो हुआ मतलब बट दिस बर्थडे इज़ वेरी डिफरेंट. यू नो जिस तरह से मतलब ऐसा कुछ बहुत ग्रेट नहीं हो रहा था बट आई थिंक इस सिंप्लिसिटी में एक बहुत खूबसूरत बर्थडे था ये. कुछ जैजी कुछ पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है बट अगेन आई थिंक इट्स सो सिंपल. एंड आप सबके साथ ऐसे मैंने पहली बार आई थिंक सेलिब्रेट किया इस तरह से. यूजुअली मैं सेट पे होती हूँ शूट करती रहती हूँ तो वहाँ पे सेलिब्रेट होता है बट आई थिंक टुडेज बर्थडे इज आल्सो लाइक रियली स्पेशल. हैप्पी न्यू ईयर. मैंने विश ही नहीं किया आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. अच्छा लहसुन का तड़का लगाया है. नए साल में आप मुझे कब देखेंगे या कौन से अंदाज में देखेंगे. देखिए वो अगर मुझे पता होता तो मैं अभी ऐसे चुटकी में आपको बता देती बट जब भी ऐसा कुछ होगा आई थिंक आप सबको जल्दी पता चलेगा. बट हाँ 14 जैन को मेरा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रहा है विद काका. सो आज उसका एक पहली झलक कह सकती हूँ रिलीज़ हुई है. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. इट्स अ वेरी फन सॉर्ट ऑफ सॉन्ग. तो थोड़ा सा रोमांस है थोड़ा सा लटका झटका है. इट्स लाइक अ प्रॉपर पंजाबी वीडियो. यू नो पंजाबी जो मसाला होता है आपको वो पूरा सब देखने को मिलेगा उसमें. एंड इस तरह अभी जो टाइम चल रहा है कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो का टाइम चल रहा है एंड लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो का टाइम कैसे देखते हैं आप. तो हमारे से ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं हेरी जी की तरफ से. ढेरों का तो मैं नहीं कह सकती बट दो है अभी पाइपलाइन में. और अगर कुछ मुझे गाना अगर बहुत पसंद आया और मुझे यू नो ओवरऑल एक वाइब जो होती है वो पसंद आई तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. आई थिंक मज़ा आता है मुझे पर्सनली करने में. और एक ऐसा गाना होना चाहिए जो सबके ज़ुबान पे हमेशा जुड़ा रहे. सो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज म्यूज़िक वीडियोज़ दोज वीडियोज़ जो यू नो सब गुनगुनाते रहे. तो वाई नॉट. अच्छा किसी को फोटो भी चाहिए. कैसे भी पूरा चमक रहा है एक उत्कृष्ट